नमस्कार दोस्तों, मैं भूवेनीवाल एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने चैनल लोकल ट्रैवलर पर, जहाँ मैं आपको लेके चलूँगा एक बहुत सुंदर और बहुत ऐतिहासिक जगह जिसका नाम है यादविंदर गार्डन, जिसे पिंजोर गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड, चलते हैं फिर एक नई जगह और एक नई वीडियो पर। यादविंदर गार्डन पिंजोर, जिसे पिंजोर गार्डन भी कहा जाता है। पिंजोर हरियाणा राज्य के पंचकुला जिले का एक हिस्सा है। यह निचली शिवालिक श्रेणियों में झज्जर और कौशल्या घग्गर की सहायक नदियों के संगम पर स्थित है। यह एक प्राचीन धार्मिक और ऐतिहासिक स्थान है और इसका नाम पांडवों के शहर पंचपुरा से पड़ा है। पिंजोर का सबसे प्रमुख आकर्षण निसंदेह 50 एकड़ का मुगल गार्डन है, जिसका नाम पटियाला के अंतिम शासक महाराजा यादविंदर सिंह के नाम पर यादविंदर गार्डन रखा गया है। 17वीं शताब्दी में कश्मीर के निशांत और शालीमार बागानों की इसी तर्ज पर यादविंदर उद्यान को वास्तुकार फिदई खान, औरंगजेब के चचेरे भाई और विश्वसनीय लेफ्टिनेंट की रचना कहा जाता है। यहाँ भड़कीले सौंदर्य स्थल एक केंद्रीय जल चैनल के चारों ओर बनाया गया है, जो फव्वारों से घिरा है, जो बगीचों की पूरी लंबाई को चलाते हैं। पानी के चैनल के दोनों ओर कम्बोल्ड रास्ते और आपको बगीचे के सात स्तरों के माध्यम से करामाती सैर करने के लिए आमंत्रित करते हैं। और जैसा कि आप एक स्तर से दूसरे स्तर तक नीचे जाते हैं, आप मदद नहीं कर सकते, लेकिन कौशल और सरलता में चमत्कार करते हैं, जिसने सरल प्राकृतिक तत्वों को स्थायी सौंदर्य की व्यवस्था में तैयार किया है। पहले स्तर पर दूर शीश महल नामक मंडप पर समाप्त होता है, जिसमें बेडरूम और डबल बाथरूम है। यह वह जगह थी जहां पटियाला के शाही परिवार की महिलाएं बगीचे में अपने विलाप के दौरान रुकती थी। शीश महल डिजाइन की एक उत्कृष्ट समरूपता प्रदर्शित करता है और गार्डन के एक राजसी दृश्य को दर्ज करता है, जो कि अंतिम छत के सीमा की दीवार के प्रवेश द्वार से है। शीश महल के कांच के फर्श के नीचे पानी का चैनल देखा जा सकता है। इसके अलावा अगले स्तर पर एक बड़ा मंडप रंग महल है, जिसमें पटियाला के महाराजा निवास करते थे, जिसमें एक बेडरूम और एक संलग्न बाथरूम है। इसमें बगीचे, बाग और आसपास की पहाड़ियों का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है, और चांदनी रातों में तो इसका अपना ही एक जादू होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको जल्दी सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए रेड बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि मेरा हर नया वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। और फ्रेंड, आप मुझे अपने आसपास की सभी फेमस और ऐतिहासिक जगह की जानकारी कमेंट बॉक्स में लिख कर भी दे सकते हैं, ताकि मैं वहाँ भी आकर बहुत जल्दी वीडियो बना सकूँ। तो फ्रेंड, मैं आपको फिर मिलूँगा फिर एक नई जगह और एक नई वीडियो के साथ। सब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।